और देखिए इस बीच में एक बड़ी खबर, देर रात तक चली है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बिहार के टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई है, अमित शाह जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में देर रात तक बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव की टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। डेढ़ घंटे तक हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल थे। और वहीं बिहार में गठबंधन को लेकर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात में चिराग पासवान ने हाजीपुर समेत लोकसभा के 6 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई, जिस पर पार्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। मीटिंग में चिराग पासवान ने जेपी नड्डा को भरोसा दिया कि उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। मजबूती के साथ दूसरे सीटों पर जहां गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी ने उनको भी मतलब सबसे आगे आकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने का संकल्प आज लेकर के नहीं गई। 40 सीट पर तैयारी। और वहीं बीजेपी के मिशन दक्षिण के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण ने मुलाकात की है। सभी नेताओं के बीच चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी के बीच आंध्र प्रदेश में गठबंधन के लिए बातचीत अंतिम दौर पर पहुंच गई। माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है और जल्द ही टीडीपी और एनडीए गठबंधन में वापसी का ऐलान हो सकता है। नायडू के अलावा आंध्र प्रदेश की जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। और वहीं कांग्रेस की खेमा की बात की जाए तो बड़ी खबर यह कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया, कई राज्यों में सीटें हो चुकी हैं फाइनल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई फैसले लिए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से सीट फाइनल हो गए हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप, फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी, द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी वेरी सून। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई सीटों के उम्मीदवारों का फैसला हो गया है। सीईसी की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों पर और टिकट वितरण को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत, दुर्ग से तामध्वज साहू और जांजगीर चांपा से शिव दहरिया का नाम फाइनल कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर।